गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये वो काउंटर है जिसको आपको अपने नजर में रखना चाहिए। गोदरेज ग्रुप की दिग्गज कंपनी है, 124 साल पुरानी कंपनी है, यानी कि एक दशक से ज्यादा पुरानी कंपनी है ये, और कंपनी ओलियो केमिकल्स की लीडिंग उत्पादक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, 80 से ज्यादा देशों में इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स है, और गोदरेज ग्रुप की दरअसल ये होल्डिंग कंपनी है। तो कारोबार तो खुद का अच्छा है, साथ ही साथ होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की बाकी कंपनी में काफी ज्यादा है, जहाँ पे बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल रही है। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो इकरा ने इस कंपनी के जो कमर्शियल पेपर्स है उनकी रेटिंग जो है उसको A1+ की रेटिंग जो है वो दी थी। तो कहीं ना कहीं सबसे उच्चतम रेटिंग जो है वो इस कंपनी के है। इंडस्ट्रियल होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो करीब 12.2% के आसपास की होल्डिंग जो है इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स रखते हैं। एफआईआर की करीब 8.5% के आसपास की होल्डिंग है, और डीआईएस जिसकी करीब 3-4% के आसपास की होल्डिंग है, और याद रखिएगा इसमें से एलआईसी करीब 2.1% के आसपास की होल्डिंग रखता है। देखिए, एक कॉन्फिडेंस कंपनी में तब आता है जब प्रमोटर लगातार खरीदारी करते हैं, और इसमें देखिए मार्च 2019 में 61% के आसपास का हिस्सा था प्रमोटर का, जो अब बढ़ के करीब 67% के आसपास का हो चुका है। जैसे कि मैं कह रहा था कि होल्डिंग अगर आप देखेंगे, गोदरेज कंज्यूमर में करीब 24%, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 47%, एग्रोवेट में 62% के आसपास की होल्डिंग है, और होल्डिंग कंपनी को नो डाउट डिस्काउंट मिलता है 20-30% का, लेकिन ये कंपनी जो है करीब 67% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो एक तो खुद का कारोबार अच्छा, बाकी होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो है काफी ज्यादा पे अवेलेबल है ये। तो वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी के काफी आकर्षक है, और इसके लिए कहीं ना कहीं इस काउंटर को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए।